हाथरस को लेकर दिन भर जारी रहा हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा। पीड़ित परिजनों से मिलने जा रहे राहुल और प्रियंका को बीच रास्ते से पुलिस ने लौटाया। ग्रेटर नोएडा में एक्सप्रेसवे पर रोक दिए गए राहुल और प्रियंका, पुलिस के साथ धक्का मुक्की में गिर पड़े कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष। बीच रास्ते में रोके जाने पर पैदल हाथरस जाने की जिद पर अड़े थे राहुल और प्रियंका, एक्सप्रेसवे पर हिरासत में लिए गए भाई बहन। किस धारा में आप, किस बेसिस पे आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं ये मुझे बता दीजिए। किस धारा में आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं? कौन सा लॉ वायलेट कर रहा हूँ मुझे ये तो बता दो। अरे भाई मैं, आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, आप मुझे बताइए किस धारा पे आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं। राहुल को हिरासत में लिए जाने पर आग बबूला हुआ कांग्रेसी कार्यकर्ता, पुलिस की गाड़ी के ऊपर डाला डेरा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उपद्रव बढ़ा तो पुलिस ने बरसाई लाठियां, पार्टी ने योगी सरकार पर लगाया तानाशाही का आरोप। में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है, उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश बना दिया गया है, किसी भी मुख्यमंत्री को शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए। राहुल और प्रियंका के हाथरस जाने की जिद पर बीजेपी का पलटवार, यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा तस्वीर खिंचवाने की कवायद। देखिए राहुल गांधी जी और उनकी बहन राजनीतिक रोटियां सेकने के अलावा कुछ नहीं करना चाहते उत्तर प्रदेश में। हिरासत में लेने के बाद राहुल और प्रियंका को लेकर फॉर्मूला वन गेस्ट हाउस गई पुलिस, धरने पर बैठे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता। थोड़ी देर गेस्ट हाउस में रखने के बाद पुलिस ने राहुल प्रियंका को छोड़ा, दिल्ली वापस लौटे कांग्रेस नेता, कहा जारी रहेगी जंग। हाथरस पर कांग्रेस के सियासी ड्रामे को लेकर बीजेपी का पलटवार, कहा 12 जाकर क्यों नहीं देखते राहुल गांधी। आप लोग वहां जाते अगर आपको इतनी बेटियों की चिंता है, जस्ट बिकॉज कि अभी आपको मालूम है बिहार का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है, हम लोग बुरी तरह हारेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार को हम लोग कोई दाग लगाएं। राहुल और प्रियंका को रोके जाने पर लखनऊ में बवाल, राजभवन के सामने कांग्रेस का प्रदर्शन। राहुल और प्रियंका को रोके जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा, मऊ में हाईवे पर लगाया जाम। वडोदरा में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोरदार हंगामा, योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के महिला मोर्चे का विरोध प्रदर्शन, हाथरस कांड को लेकर योगी सरकार के खिलाफ हंगामा। हाथरस कांड के खिलाफ मुंबई में कांग्रेस की मोर्चाबंदी, दिग्गज नेताओं ने गांधी की प्रतिमा के पास किया प्रदर्शन। हाथरस कांड को लेकर शिवसेना ने बीजेपी को घेरा, कहा नहीं है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहने का कोई अधिकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने हाथरस केस में लिया स्वतः संज्ञान, यूपी सरकार को जारी किया नोटिस। हाथरस कांड को लेकर जोरदार सियासत, अलीगढ़ से हाथरस जा रहे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प, लाठीचार्ज में कई घायल। हाथरस कांड पर एसआईटी की जांच के बीच डीएम के वीडियो से हंगामा, परिवार वालों को धमकाते दिख रहे हैं जिले के मुखिया। मैंने उनका यही जानने का प्रयास किया कि उनकी नाराजगी का क्या कारण है, लेकिन इस तरीके से नकारात्मक जो खबरें चलाई जा रही है उसका खंडन करता हूं। पीड़ित के परिवार वालों ने प्रशासन पर लगाया दबाव डालने का आरोप, आज तक से कहा मामले को रफा दफा करने के लिए दी जा रही है धमकी। सामने आई हाथरस पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, गले में चोट का जिक्र लेकिन बलात्कार की पुष्टि नहीं। अब ये लो हमें एक्सक्लूसिव रिपोर्ट एफएसएल से आ गई है कि रेप के साइन नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक बेटियों से दरिंदगी, बलरामपुर में कॉलेज जा रही छात्रा को अगवा करके गैंगरेप, पीड़िता की मौत, दो आरोपी गिरफ्तार। बस्ती में दलित युवती के साथ बलात्कार, शादी का झांसा देकर वारदात को अंजाम दिया। आजमगढ़ में 8 साल की बच्ची से हवानियत, गंभीर हालात में वाराणसी के बीएचयू में की गई भर्ती। अमेठी में सामने आया दलित नाबालिग लड़की से बलात्कार का मामला, पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के 12 में दो नाबालिग बच्चियों से गैंगरेप में पुलिस का एक्शन, नया मामला दर्ज, पूछताछ की तैयारी। जयपुर में होटल के कमरे में महिला के साथ गैंगरेप, परिचित ने दो लोगों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। किसान कानूनों को लेकर पंजाब में सुलग रही है सियासत, सुखबीर बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर ने निकाला प्रोटेस्ट मार्च।
थोड़ी देर में 5,000 गाड़ियों के काफिले को लेकर चंडीगढ़ पहुंचेंगे अकाली दल के नेता। पुलिस ने सीमाओं को किया सील। अमृतसर से प्रोटेस्ट मार्च लेकर चंडीगढ़ के लिए निकल चुके सुखबीर बादल। स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने के बाद संभाला मोर्चा। हरसिमरत कौर ने बठिंडा से चंडीगढ़ की तरफ किया कूच। साथ में 5,000 गाड़ियों का काफिला। किसान कानून को लेकर जारी है कोहराम। तरनतारन में किसानों ने किया बीजेपी नेताओं का बायकॉट। बरनाला में किसान संगठनों का हंगामा। टोल प्लाजा, रेलवे स्टेशन, मॉल का घेराव। पंजाब में जारी है किसानों का रेल रोको आंदोलन। गुरदासपुर में रेलवे ट्रैक पर जमे हैं प्रदर्शनकारी किसान। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी किसानों का प्रदर्शन। किसान कानूनों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी। बिहार चुनाव के लिए जारी है बीजेपी की माथापच्ची। चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस के साथ सुबह के दिग्गज नेताओं की मीटिंग। 4 अक्टूबर को बिहार चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी। कर सकती है बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक। बिहार चुनाव को देखते हुए लालू यादव से मिलने उमड़ रही है आरजेडी कार्यकर्ताओं की भीड़। दिन भर तालेबंदी के बाद शाम को होती है मुलाकात। देश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में सामने आए 86,000 से ज्यादा मरीज। 63,12,000 के पार कुल मामले। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना से करीब 1200 लोगों की मौत। अब तक 98,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 18,000 से ज्यादा नए मामले। 13,84,000 के पार हुआ कुल आंकड़ों। उत्तराखंड से दूसरे राज्यों के लिए शुरू की गई बस सेवा। खत्म किए गए सोशल डिस्टेंसिंग के नियम। उत्तराखंड में एक्शन में आम आदमी पार्टी। गंगा स्केप चैनल को लेकर उत्तराखंड सरकार से दागे सवाल। ओडिशा में विधानसभा के बाहर हुई बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा। बीजेपी नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर बेटे ने चाकू की नोक पर मां को बनाया बंधक। यौन शोषण के आरोप में वर्सोवा पुलिस ने अनुराग कश्यप से 8 घंटे तक की पूछताछ। अभिनेत्री पायल घोष ने लगाया रेप का आरोप। नवी मुंबई में टोल के बढ़ते दाम के खिलाफ एमएनएस का विरोध प्रदर्शन। उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ हंगामा। बढ़ती जा रही है पाकिस्तान की नापाक करतूतें। कुपवाड़ा में LOC पर गोलीबारी में फौज के 3 जवान शहीद, 6 घायल। पुंछ और कुपवाड़ा में लगातार फायरिंग कर रहा है पाकिस्तान। मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं भारतीय जवान। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में 8 साल की मासूम बच्ची को पड़ोसी ने बनाया हवस का शिकार। सफदरजंग अस्पताल में किया गया रेफर। MP के रीवा में पिकनिक मनाने गए 3 युवकों की कुंड में डूबकर मौत। काफी मशक्कत के बाद निकाली जा सकी लाश। गोरखपुर में टीम के बक्से में शादीशुदा महिला की लाश मिलने से सनसनी। अब तक नहीं हो पाई शिनाख्त। बुलंदशहर में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक ने बाइक सवार लोगों को रौंदा। बुजुर्ग दंपति और एक बच्ची की मौत। राजस्थान के जोधपुर में युवक की हत्या से सनसनी। पुलिस को प्रेम प्रसंग में वारदात का शक। रायबरेली में मां बेटी की बेरहमी से हत्या से अड़कम। परिजनों को लूटपाट में वारदात का शक। पटना के बेउर इलाके के बीजेपी नेता की हत्या। मॉर्निंग वॉक के दौरान राजेश झा को मारी गई गोली। यूपी के भदोही में नाबालिग दलित लड़की की बेरहमी से हत्या। परिवार वालों ने जताई बलात्कार के बाद हत्या की आशंका। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में नशे के कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई। 2 दिन में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी। गाजीपुर की कपड़ा मंडी के एक दुकान में भीषण आग। करोड़ों के नुकसान की आशंका। झारखंड के रामगढ़ में आसमानी बिजली से 2 की मौत। खेत में फसल तोड़ने के दौरान हुआ हादसा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में तेज रफ्तार ट्रक ने बिजली विभाग की गाड़ी को टक्कर मारी। 4 लोगों की मौत। यूपी के औरैया में दिल दहलाने वाली घटना। 3 बेटियों के साथ महिला ने लगाई फांसी। पुलिस को घरेलू कलह में वारदात का शक। उन्नाव में दलित के घर घुसकर दरोगा ने की मारपीट। वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में ताइक्वांडो खिलाड़ी की हत्या के मामले में पहलवान की गिरफ्तारी। क्राइम ब्रांच ने दौसा से पकड़ा। राजस्थान के सीकर में कबाड़ मार्केट में खड़ी ट्रक में आग। पूरे इलाके में फैली अफरातफरी। बिहार के कटिहार में मालगाड़ी के इंजन के आगे हुक में फंसकर एक शख्स की मौत। 1.5 किलोमीटर तक घसीटती रही लाश। अमृतसर में बीजेपी कांग्रेस के समर्थकों में भिड़ंत। बीजेपी नेता के महामंत्री चुनने को लेकर विवाद। गाजियाबाद में रोडवेज कर्मी ने बस में युवती से की छेड़छाड़। पुलिस ने किया गिरफ्तार। MP के छतरपुर में 100 महिलाओं ने किया कमाल। 107 मीटर लंबे पहाड़ को काटकर बनाया रास्ता। मध्य प्रदेश में खोल दिए गए टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कान्हा में सैलानियों की भीड़ उमड़ी। सैलानियों के लिए खोल दिया गया रणथंभौर नेशनल पार्क भी। पहले दिन पहुंचे सैकड़ों टूरिस्ट। 629 अंकों की छलांग लगाकर 38,697 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 169 पॉइंट उछलकर 11,416 पर बंद।
एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी, 32 रुपए तक महंगा हुआ 19 किलोग्राम वाला सिलेंडर। अप्रैल से अगस्त तक का वित्तीय घाटा साल भर के टारगेट से 109.3% पर पहुंचा, लगातार दूसरे महीने सालाना लक्ष्य से ज्यादा। देश के 8 सबसे प्रमुख उद्योगों में लगातार 6 महीने गिरावट, अगस्त में उत्पादन 8.5% गिरा। पेटीएम के बाद स्विगी और जोमैटो पर भी लगा स्पोर्ट्स बेटिंग का आरोप, गूगल ने दोनों कंपनियों को थमाया नोटिस। रिलायंस रिटेल में अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक ने निवेश बढ़ाने का ऐलान किया, 1875 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करेगी कंपनी। जीएसटी सिस्टम में अभी तक ई इनवॉइस प्रणाली नहीं अपनाने वाले कारोबारियों को 30 दिन की मोहलत, 1 महीने में लेना होगा रेफरेंस नंबर। गूगल ने लॉन्च किए पिक्सल 5 और पिक्सल 4a 5G स्मार्टफोन, एक्सट्रीम सेवर मोड से 48 घंटे बढ़ेगी बैटरी लाइफ। आईपीएल में आज मुंबई और पंजाब का मुकाबला, अबू धाबी में होगी दोनों टीमों की भिड़ंत। फ्रेंच ओपन के तीसरे दौर में पहुंचे राफेल नडाल, दूसरे दौर के मुकाबले में अमेरिकी खिलाड़ी मैकेंजी डोनाल्ड को दी मात। पहले प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद ट्रंप ने किया जीत का दावा, कहा उन्होंने खोल दी खतरनाक एजेंडे की पोल। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्विटर के जरिए जो बाइडेन पर साधा निशाना, बिना उत्साह वाले नेता को नहीं चाहता देश। दुनिया भर में जारी है कोरोना का कहर, 3,41,00,000 से ज्यादा मरीज, 10,18,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी मौत। अमेरिका में 74,47,000 के पार मरीजों का आंकड़ा, अब तक 2,11,000 लोगों की मौत हो चुकी मौत। ब्राजील ने कोरोना पर काबू के लिए चीन से किया $9 करोड़ का करार, वैक्सीन की 4.5 करोड़ डोज को लेकर समझौता। उत्तर कोरिया ने फिर किया कोरोना फ्री होने का दावा, किम जोंग उन ने अधिकारियों को दी एहतियात बरतने की नसीहत। अजरबैजान और आर्मेनिया में जारी है जंग, सेना के अस्पताल पहुंचे अजरबैजान के राष्ट्रपति, घायल जवानों का हाल जाना। इराक के इरबिल एयरपोर्ट को निशाना बनाकर दागे गए 3 रॉकेट, हवा में किए गए नष्ट, टारगेट का खुलासा नहीं। अमेरिका के मिलवॉकी में अंतिम संस्कार के दौरान अंधाधुंध फायरिंग, 7 लोग जख्मी, पुलिस ने बताई सनकी की करतूत। स्पेन में ड्रग्स की सबसे बड़ी बरामदगी, 4 बोट से पकड़ी गई 30 टन हशीश, बुल्गारिया रूस के 9 लोग गिरफ्तार। पर्यावरण संरक्षण को लेकर यूएन मुख्यालय पर अनोखा प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने लगाई अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्राजील के राष्ट्रपति की बर्फ की मूर्ति। 71वां राष्ट्रीय दिवस मना रहा चीन, पूरे देश में जश्न, बीजिंग में भव्य ध्वजारोहण। वाशिंगटन में किया गया मार्च 2019 से बंद पड़े बोइंग 737 मैक्स विमान का परीक्षण, 2 दुर्घटनाओं के बाद से ठप है परीक्षण। शानदार रोशनी में नहाया ग्रीस का मशहूर पर्यटन स्थल एक्रोपोलिस, हर साल देश विदेश से पहुंचते हैं लाखों लोग। लंदन के लेसेस्टर में लगी हैरी पॉटर की कांस्य प्रतिमा, अनावरण के बाद उमड़ी दीवानों की भीड़। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।